नमस्कार दोस्तों, यार तो ये FZ 4.0 का आप E20 मॉडल देख रहे हैं। ये ड्यूअल चैनल ABS वाला मॉडल है और पुराने और नए मॉडल में क्या चेंजेस किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हाल ही में लॉन्च हुई है और इसमें आपको यार ये डीलक्स मॉडल जो आप ये देख रहे हैं, इसमें आपको यार तीन कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो ये ब्लैक स्पोर्ट्सी के साथ आता है, उसके साथ ही ये एक ब्लू और रेड कलर इसमें आपको स्पोर्ट्सी देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों यार ये जो गाड़ी है इसको आप अगर सामने से देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स के यहाँ पर DRL देखने के लिए मिलेंगे और ये वाइट कलर के आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर दिया है यामाहा की बैचिंग यार, और यहाँ आप देख सकते हैं ट्विन शॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। LED टर्न ऑन इंडिकेटर इसमें आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। साथ ही दोस्तों यार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी जो यानी कि यार जो मॉन्स्टर वाली जो हेडलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। यहाँ पर की ये क्रोम की डिज़ाइनिंग यार और देखने पर काफ़ी बढ़िया सी आपको फील करवाएगी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं साथियों यार जो इसमें आपको डिस्क प्लेट है वो 300 mm की मिलेगी, ड्यूअल चैनल ABS के साथ मिलेगी, गोल्डन कलर के। यहाँ पर आपको एलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। और टायर के साइज़ की बात कर लें तो 180 और 17 इंची का इसमें आपको फ्रंट का टायर देखने के लिए मिल जाएगा साथियों यार। यहाँ पर ड्यूअल चैनल ABS के साथ सपोर्ट के साथ ये गाड़ी आती है। और साथ ही दोस्तों यार बात कर लें ग्राउंड क्लियरेंस की तो 165 mm यार होने वाला है इसका ग्राउंड क्लियरेंस यार। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टैंक पैड और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोस्तों यार अंदर में रेडिएटर तो नहीं मिलेगा, एयर कूल्ड इंजन है ये क्योंकि एक। और साथ ही दोस्तों यार यहाँ पर जो ग्लोसी सी ब्लैक यहाँ पर इंजन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लोसी ब्लैक कलर के साथ आती है। FZ की यहाँ पर बैचिंग है, यामाहा का लोगो दिया है। साथ ही दोस्तों यार 4.0 की यहाँ पर की है बैचिंग और लगाए हैं ग्राफिक्स और टैंक का जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं आपको MT15 की तरह देखने पर लगेगा। काफ़ी भरा भरा टैंक लगता है, एकदम बल्कि सा लुक आपको आएगा। यहाँ पर दी है E20 की बैचिंग यार क्योंकि ये E20 को सपोर्ट करती है। और साथ ही दोस्तों यार फ्यूल टैंक की बात कर लें, 13 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, बीच में मैटी ब्लैक डिज़ाइन के साथ आता है। साथ ही दोस्तों यार इसके मीटर की बात कर लें तो इसके मीटर में आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ पर आप अपना नाम भी सेट कर सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं, ब्लूटूथ की मदद से इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं साथियों। और यहाँ पर आपको पूरा डिजिटल ट्रिप मीटर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं मीटर को। और ख़ास बात यह है यार कि इसमें आपको TSC मॉडल में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इंजन चेक बताएगा, यहाँ पर आपको न्यूट्रल बताएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का साइन भी बताएगा, ABS का साइन बताएगा और टाइम से लेकर सारी चीज़ें आपको इसमें बता देगा। यहाँ पर आप इसका पास यहाँ से दे सकते हैं, सिंगल हॉर्न इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही सिंगल हैंडल बार के साथ आती है। यहाँ पर आपको इंजन का किल स्विच देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों यार। तो गाड़ी ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। और साथ ही दोस्तों यार इसकी राइडिंग कंफर्टेबल की बात कर लें और सीट हाइट की बात कर लें तो 790 mm इसकी सीट हाइट होने वाली है, सिंगल सीट के साथ आती है। राइडिंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, यहाँ पर लगा है ग्रैब रेल तो आप यार दो लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं और अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यार पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पर LED टेल लाइट देखने के लिए आपको मिल जाएगी, एकदम ही प्रीमियम सा डिज़ाइन दिया है यार साथियों, तो ये देखने पर लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है इस गाड़ी को, एकदम ही स्पोर्ट्स वाला लुक देगी। साथ ही LED टर्न ऑन इंडिकेटर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे साथियों, तो एक अच्छी बात है। 140 kg यार होने वाला है इसका कर्ब वेट। और साथ ही दोस्तों यार यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं अपना ब्रेक ऑयल। और उसके साथ ही दोस्तों यार सिंगल एग्जॉस्टर के साथ आती है और जो इसका साउंड है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। और साथ ही दोस्तों यार टायर के साइज़ की बात कर लें तो 140, 60 और 17 इंची का एक रेडियल टायर देखने के लिए आपको इसमें मिल जाएगा साथियों। और यार यहाँ पर आप देख सकते हैं 230 mm की यहाँ पर डिस्प्लेट मिलने वाली है, पीछे में ABS और आगे में ABS के सपोर्ट के साथ आती है। यहाँ पर आपको पीछे में मडगार्ड फ्लैप देखने के लिए मिल जाएगा, साड़ी गार्ड लगा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7-way एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पिलियन के लिए फुटरेस्ट लगा है और ये देख सकते हैं वेट ड्राई चेन है, गोल्डन एलॉय व्हील के साथ आती है दोस्तों यार। और पीछे में आपको काफ़ी ज़्यादा एकदम बल्कि वाला फील करवाएगी साथियों, इस बात को समझिए। और ये 5 ट्रांसमिशन के साथ आती है दोस्तों यार, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। गाड़ी में जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, एक नेकेड बाइक के लिए काफ़ी बल्कि लुक देती है ये गाड़ी। और ताकत देने के लिए यार इसमें लगा है 150 cc का इंजन यार, जो 13 BHP की पावर और 14 Nm का टॉर्क देगा साथियों यार। ये राइडिंग रेंज आपको प्रोवाइड कराएगा 600 किलोमीटर की और टॉप स्पीड होने वाली 115 किलोमीटर प्रति आवर। और साथ ही दोस्तों यार ये एक FI सिस्टम है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन को सपोर्ट करता है दोस्तों यार, तो ये इंजन काफ़ी एक पावरफुल इंजन होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे पूरा इंजन का डायमेंशन है। और साथ ही दोस्तों यार ये जितनी गाड़ी पावरफुल है उसके साथ ही दोस्तों यार उतनी ही कम्फर्ट
कंफर्टेबल भी होने वाली है। अब गाड़ी को हम करते हैं चालू और आपको साउंड भी सुनवाते हैं। और कीमत की बात कर ले तो 1,60,000 अप्रोक्स इसकी कीमत होने वाली, जो अपनी अपनी सिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। तो दोस्तों यार आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।